जय। नीलकंठ महादेव की जय। देवादि देवाय महादेवाय शिव शंभो, देवादि देवाय महादेवाय शिव शंभो, देवादि देवाय महादेवाय शिव शंभो। फर्स्ट टाइम मैं नीलकंठ वाली रोड पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है दर्शन करने के लिए, काफी लंबी लाइन है। तो चाय वाय पी ली है और हमारे सुशांत कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। अमित भोला लग रहा है, भोला। अमित का आज पोपट कर चुका है गाइस। तो आप देखिए और चलते हैं गाइस अब, है ना। मैं लाइव आके इंस्टा पे बताऊंगा। यहाँ से 18 किलोमीटर नीलकंठ और यहाँ से पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस रूट पे और काफी प्यारा ब्रिज है। नीचे जा रही है अलकनंदा। तो यहाँ से गाइस हमें जाना है लेफ्ट। काफी पतली रोड है। तो नीचे नदी में है राफ्टिंग वाले और मॉर्निंग में राफ्टिंग कर रहे हैं, पानी काफी ठंडा होगा। काफी डेंजरस रोड है ये, नदी देख रहे हो गाइस आप, बाइक और नदी बिल्कुल नजदीक। फर्स्ट टाइम मैं नीलकंठ वाली रोड पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कालीकुंड हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है कालीकुंड, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो रखा है। पुलिया काफी छोटी है, 1x1 जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और मैगी पॉइंट है यहाँ पे, प्राकृतिक झरना कालीकुंड। यहाँ पे एक झरना है, वाटरफॉल है। यहाँ पे से हमें राइट मुड़ना था और 5 किलोमीटर अब रह जाता है नीलकंठ। यहाँ पे 4-व्हीलर्स की पार्किंग है और हम जा रहे हैं आगे। नीलकंठ मंदिर आगे है, यहाँ से शायद लोगों को जाने नहीं देते हैं, पैदल जाना होता है। तो हम तो बाइक में हैं तो हम चले गए आगे। हाँ, लोग थोड़ा पैदल जा रहे हैं शायद। सबने गाड़ियाँ यहीं पार कर ली है और यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं। कार लेके आते तो गाइस इतना पैदल आना पड़ता। काफी क्राउड है यहाँ नीलकंठ के लिए, काफी क्राउड है। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दिल्ली, HR, पंजाब, UP। हर माल 5 रुपए, हर माल 10 रुपए। यहाँ पे सही है गाइस। आगे पार्किंग है, सुनो एक मिनट, वहाँ लाओ गाड़ी। नहीं, हम तो घूमना आ गए, पार्क तो करनी नहीं है। यहाँ से प्रसाद स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। सबने तो रोड पे लगाई हुई। वो भाई कह रहा था पार्किंग नहीं है, पैसा कमाने के लिए इंसान झूठ बोल लेता है। ये भी तो पार्किंग है, पे करना है तो कहीं भी कर लेंगे पार्किंग। तो पहुंच चुके हैं नीलकंठ। भाई मंदिर कितना पैदल है क्या? सामने ही है। अच्छा, यहाँ से आगे शायद एंट्री नहीं है, तो हमें गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी कहीं पे। यहाँ पे फॉर्च्यूनर बैक हो जाएगी क्या, देखते हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पे फॉर्च्यूनर बैक होना। साइड से आ जाओ। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो अभी हम लेने वाले हैं प्रसाद। तो यहाँ पे हमने शूज वगैरह सब कुछ उतार दिए हैं और बैग बैग सब हमने यहाँ पे उतार दिए हैं। और मेरा भाई देखिएगा चल नहीं पा रहा है, बहुत ही दुखद सीन हो रखा है यहाँ पे, चल नहीं पा रहे हम।
इस अमित की वजह से इस अमित का डमरू बजी तो बता ले बता क्या मैंने पेट्रोल से नहीं भरा है कि मैंने सोचा नील डेढ़ सौ रुपये सो गाइस हमारे साथ एक से एक खतरनाक इंसान है कह रहा कि देहरादून में ये नीलकंठ इसलिए पेट्रोल नहीं भरवाया आस पास का मंदिर होगा मैंने कहा इसलिए मैंने सो गाइस यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी है और मंदिर का रास्ता भी यहीं से है भोले बाबा जी हर तेरे मैं आयो जी यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है आजकल भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो आगे तक मुझे लाइन ही दिख रही है तो धीरे धीरे खिसकते पहुँच चुके हैं नीलकंठ मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार यहाँ से जाना है आगे नीलकंठ महादेव की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले देवादि देवाय महादेवाय शिव शंभो देवादि देवाय महादेवाय शिव शंभो हमारे दर्शन और प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया है और अब चलते हैं हो चुके थे हमारे दर्शन प्रसाद यहाँ पे से पैक कर लिया है और अब चलते हैं आगे आगे अगर कोई लोकेशन मिलती है तो आपको लोकेशन दिखाएंगे तो गाइस पहुँच चुके हैं गाड़ियों के पास वापस और चलते हैं वापस तो यहाँ पे आप अपने लिए रुद्राक्ष वगैरह जो भी घर वालों के लिए कुछ भी ले सकते हो डबरू वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिलता है और यहाँ पे हम कुछ लेने वाले हैं ये ले रहा चश्मा कुछ देखते हैं सो गाइस मुझे यहाँ पे एक क्यूट सी चीज़ दिखी तो ये मैंने बाई कर लिया है ये किसी के लिए गिफ्ट है ढंग से सो गाइस अमित इतना पागल है पहले गिर गया और फिर अब भाई की चाबी खो दी थी अपवित्रता दिखाता हूँ एक बालक सो गाइस यहाँ से ऊपर जाते हैं पार्वती मंदिर के लिए संडे राइड में ऑफ रोडिंग भी हो गई गाइस कच्चे रास्ते का तो पता ही नहीं लग रहा अंकल पार्वती मंदिर के लिए यही है आज तो ऑफ रोडिंग हो गई बल्ले बल्ले सो गाइस यहाँ से दो रास्ते हैं पता नहीं लग रहा है सो गाइस वापस पहुंच चुके हैं और आज अमित की किस्मत थोड़ा खराब थी भाई एक बार गिर चुका है और एक बार यह टी शर्ट भी फट चुकी है तो आज इसकी किस्मत काफी खराब थी ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट राइड में ठीक है गाइस मिलते हैं ब्रो टाटा वो उधर निकल गए गाइस और मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, राइडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जगत 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 ज्वल लाट कट्ट भाव किशोर चंद्र।